तैयार हो जाए। हाँ ठीक है, पर कस्टमर ने इसको चेंज, अब इसमें बदलूंगा तो और ज्यादा खर्चा होगा। अब वो सब मुझे नहीं पता है, कस्टमर ने बोला है। मैम जैसा कस्टमर ने बोला मैंने वैसा ही बनाया है। तुम ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, दो दिन में डिलीवरी करनी है। दो दिन? मैम दो दिन में कैसे होगा, कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा ही। हफ्ता? समझ नहीं आ रहा है क्या, परसों तक डिलीवरी करनी है इसकी। रात भर बैठ के काम करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो जाओ। मैडम वो आज सारा काम पूरा हो गया है, तो आज पेमेंट मिल जाती तो। मैडम ये तो सिर्फ 10,000 है, बात तो 20,000 की हुई थी ना। बात तो ये भी हुई थी कि 10 दिन में काम करके दोगे, 15 दिन ले लिए ना तुमने। मैम वो तो आपने पूरा बदलने के लिए बोला था, इसलिए टाइम लग गया। वो सब मुझे नहीं पता है, पैसे लो और निकलो यहाँ से। जाओ जाओ। मैम आपने मुझे बड़ा ऑर्डर देने का वादा किया था। हाँ वो अंकित कर लेगा। ये तो गलत बात है मैडम, अंकित को सारा काम मैंने सिखाया है। तो सीख गया वो, कर लेगा अपने आप। मैडम बड़ी चालाकी से आपने सारा काम निकलवा लिया, और जो मेरी एक्स्ट्रा मेहनत के पैसे थे वो भी नहीं दिए, और ऊपर से जो बन रहा है उसमें से भी काट रही हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, एक बारी में बोला है ना यहाँ से जाओ, अभी सिक्योरिटी को बुला के बाहर धक्के मार के निकालूंगी। चलो। हेलो हेलो, वो मैडम दुकान में आग लग गई है, आप जल्दी से आ जाओ। आग लग गई है? जी मैडम जल्दी से आ जाओ। हेलो मैडम, मैं अंकित बोल रहा हूँ, आज से मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अब तो दुकान भी जल गई, आप क्या ही काम दोगे आप मुझे? पर मैंने तुम्हें इतना काम सिखाया है। हेलो हेलो, प्रधान सर का भी ऑर्डर हम कर नहीं पाएंगे कंप्लीट, अंकित ने काम करने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि शायद सब खत्म हो चुका है। यार मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मोहन इतना पुराना कारीगर है, उसको मत निकालो। चलो जो भी है छोड़ो इसे, जो गलती है तुमसे हो गई है, प्लीज उसे ठीक करने की कोशिश करो। मैडम जी आप यहाँ? आपकी मेहनत का पैसा जो मैंने आपको नहीं दिया था, आज मुझे एहसास हुआ कि बेईमानी का पैसा किसी के पास नहीं टिकता। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया और आज मुझे उसकी सजा मिल गई है। कैसी सजा मैडम? मेरे स्टोर में आग लग गई, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत सब बर्बाद हो गई। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं मैडम, गलती का एहसास होना ही बहुत बड़ी बात होती है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। प्रधान सर का बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, आप उसे पूरा करने में मेरी मदद करेंगे क्या? सॉरी मैं समझ सकती हूँ, इतना कुछ हो गया आप मेरी मदद क्यों करेंगे, मैं चलती हूँ। रुकिए मैडम, मैं ऑर्डर वो बनाने के लिए तैयार हूँ जी, आप मुझे बताइए कब से आना है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आप मेरे इतने मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हैं, इस बारी आपकी मेहनत का पैसा आपको जरूर मिलेगा।